हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे। आप सभी को पता है कि जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है वो यूनान से शुरू हुई थी। तो यूनान को ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है और एथेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उसमें कौन कौन से काल आते हैं। ठीक है, हम होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। ठीक है, पहले हम ये बात करेंगे यूनान के अंदर इतने सारे काल आएंगे। अब सबसे पहले है हमारा होमर काल, तो हम होमर काल को देखेंगे अच्छे से। होमर काल, होमर एक नेत्रहीन कवि थे। ठीक है, उन्होंने दो महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। ये दो महाकाव्य किसने लिखे? होमर ने। उसके बाद है उनका मुख्य जो पेशा था वो था कृषि और पशुपालन। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हमारा है, होमर को देश का एजुकेटर ऑफ ग्रीस, मतलब देश का गुरु माना जाता था। फिर जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे जिनकी वहाँ के लोग पूजा करते थे वो थे जीस, जीएस और जियोस। एथलेटिक्स का महत्वपूर्ण स्थान था उस समय और रथ दौड़, तीरंदाजी, मलयुद्ध ये सब हुआ करता था। शिक्षा का लक्ष्य जो वहाँ का था वो था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। देखिए, हिस्ट्री में बहुत कुछ है पढ़ने को, पर हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। तो ऐसे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे तो उसी से ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।